जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ, मीन्स यह है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर मेष राशि का राशि के अनुसार व्यापार व्यवसाय 2022 में कैसा रहेगा, ये चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ध्यान रहे कि वार्षिक राशि भविष्य है यह, और इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इज 2022 गुड फॉर एरीज बिजनेस, अथवा इज 2022 गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर एरीज बिजनेस। और इसकी पड़ताल के लिए, इस फलादेश की पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे, लग्न को मान करके, तो ज़्यादा सटीक परिणाम मिलेंगे। बाकी लग्न का पता ना होने पर बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, हमारी वेबसाइट astrosage.com पे भी आप जाकर अपने लग्न खोज सकते हैं और वहाँ से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से ना पता हो, लग्न ना पता चल पाए, तो आप अपनी राशि के अनुसार या फिर नाम की जो राशि है जिससे आप हमेशा देखते रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को डिटेल ही नहीं पता है, तो आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी ये टोह ले सकते हैं कि साल 2022 आपके व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही मेष राशि 2022 बिजनेस यानी कि आपके बिजनेस संबंधी परिणाम का भविष्यफल या भविष्य कथन किया जाएगा। साल 2022 मेष राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, यानी कि एरीज बिजनेस होरोस्कोप 2022 जानने के लिए हम मेष राशि वाले लोगों के शनि के गोचर, शुक्र के गोचर और बुध के गोचर का विशेष अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, उन पर गौर करेंगे। बाकी अन्य स्थितियां और मेजर ग्रह गोचर जैसे कि बृहस्पति, राहु व केतु आदि का प्रभाव तो देखेंगे ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम शनि ग्रह की स्थिति को देखते हैं। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 के बीच मेष राशि वाले लोगों के लाभ भाव में यानी कि कुंभ राशि में जाएंगे। बाकी के समय शनि ग्रह करियर स्थान पर बने रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे ही सही मेष राशि वाले लोगों को कार्य में सफलता दिलाने का काम शनिदेव जी करते रहेंगे, क्योंकि उनके करियर लॉर्ड हैं। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच अपेक्षाकृत शनिदेव का जो गोचर है वह अधिक लाभ दिलाते हुए प्रतीत हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 5 जून 2022 से लेकर 13 अक्टूबर 2022 के बीच आपके करियर स्थान के स्वामी यानी कि कर्मेश और आपके लाभेश, लाभ दिलाने वाले ग्रह शनिदेव वक्री रहेंगे। यानी कि इस पूरे वर्ष में 141 दिनों तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। इस बीच में जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें थोड़े से व्यवधान या थोड़ी सी रुकावटें रह सकती हैं मेष राशि वालों की। इस अवधि में आप अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर अपेक्षाकृत अधिक सजग रहेंगे, ऐसा सुझाव हम आपको देना चाहेंगे। ज्ञात रहे कि यहाँ चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस चिंतन मंथन करने की जरूरत रहेगी। शनिदेव पूरे वर्ष में ही अपनी ही राशियों पर भ्रमण करते रहेंगे और कहीं ना कहीं से आपका भला करते रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचने की सलाह हम आपको जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि शनिदेव वैसे भी धीरे धीरे कार्य को संपन्न करवाते हैं, ऊपर से जब वह वक्री हो जाएं, तब तो और अधिक धीमापन दे सकते हैं। यानी संयम के साथ काम करिए और शनिदेव से कार्य में सफलता दिलाने की उम्मीद बनाए रखिए। देवगुरु बृहस्पति के गोचर की बात की जाए तो 13 अप्रैल 2022 तक वह मेष राशि वाले लोगों के लाभ भाव में रहेंगे, जो अच्छा लाभ देने या दिलवाने का संकेत कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति ग्रह मेष राशि वाले लोगों के द्वादश भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में इनका प्रत्यक्ष संबंध करियर भाव से या सप्तम भाव से नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग जिनका संबंध दूर के स्थानों से है, यानी कि व्यापार या व्यवसाय का कनेक्शन किसी दूर की जगह से है, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, अथवा किसी भी तरह से विदेश के लिए या विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बृहस्पति का गोचर 13 अप्रैल 2022 के बाद भी लाभ दिलाता रहेगा। आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के गोचर की बात करें, 24 सितंबर 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक शुक्र नीच के रहेंगे। वहीं 11 नवंबर 2022 से लेकर 5 दिसंबर 2022 के बीच शुक्र आपके आठवें भाव में रहेंगे। इन दो टाइम ड्यूरेशंस को छोड़ दिया जाए
तो बाकी के टाइम शुक्र ग्रह भी आपका फेवर करते रहेंगे। यानी पूरे वर्ष 45 से 50 दिनों का टाइम ऐसा रहेगा जब आपके सप्तम भाव के स्वामी आपका फेवर शायद न कर पाए, बाकी का समय ऐसा है जब शुक्र आपके फेवर में रहेंगे, मजबूती के साथ फेवर में रहेंगे। अलबत्ता बीच बीच में कुछ ड्यूरेशंस ऐसे हैं जैसे कि पूरे साल में 29 दिनों तक शुक्र ग्रह वक्री रहेंगे और 50 दिनों तक अस्त रहेंगे। इस बीच में काम थोड़ा सा धीमा रह सकता है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। कहने का मतलब यह है कि सामान्य तौर पर साल 2022 में शुक्र के द्वारा आपके करियर को, खासकर व्यापार व्यवसाय को अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक ऐसे ही परिणाम बुध ग्रह के गोचर से भी आपको मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यानी बुध सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देते हुए लग रहे हैं। केवल और केवल 24 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 के बीच व्यापार का कारक ग्रह बुध नीच का रहेगा और शायद ऐसे में परिणाम थोड़े से कमजोर मिल पाए। वहीं दोबारा 13 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 के बीच जब बुध ग्रह 8वें भाव में रहेंगे तब किसी बड़े निवेश से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। यानी वहां से अप्रत्याशित लाभ या अप्रत्याशित नुकसान के योग बनेंगे, लेकिन हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको लाभ की बात ही बताई जाए, रिस्क वाले काम से आपको बचाया जाए। इसलिए उस अवधि में हम किसी बड़े निवेश को करने से बचने की सलाह आपको दे रहे हैं या देना चाहेंगे। बाकी आठवें भाव के प्रभाव से कई बार अचानक से लाभ भी मिलता हुआ देखा गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आठवां भाव हमेशा खराब होता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि साल 2022 मेष राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ बड़े निवेश, बड़े फायदे मिलने के संकेत यह साल कर रहा है। दूर के स्थानों से भी आपके व्यापार व्यवसाय को फायदा पहुंचने की अच्छी उम्मीद है। बस ख्याल इस बात का रखना है कि 12 अप्रैल 2022 के बाद जब राहु केतु का प्रभाव आपके लग्न पर हो जाए, आपके सप्तम भाव पर हो जाए, और उस समय के बाद आपके निर्णय लेने की क्षमता कुछ कमजोर लगे या कोई किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। यानी कि 12 अप्रैल 2022 के बाद बड़े निर्णयों में अपने वरिष्ठों की सलाह जरूर लें। किसी भी तरह के आवेश में आकर या उन्मादी होकर कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से बचें। सिर्फ इतना ख्याल रखेंगे तो साल 2022 व्यापार और व्यवसाय के मामले में आपको अच्छे परिणाम देते हुए नजर आ रहा है। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपने व्यापार व्यवसाय को बेहतर रखें। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में मेष राशि वाले लोगों को करियर यानी कि बिजनेस के मामले में, खासकर यानी कि हम व्यापार व्यवसाय की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो इसी मामले की बात करेंगे, तो इसमें अगर व्यवधान आता है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपका व्यापार व्यवसाय बेहतर हो पाए। व्यापार व्यवसाय में बेहतरी के लिए आपको जब भी अवसर मिले दृष्टिहीनों के बीच जाएं और जाकर उनका सहयोग करें, उनको अपनत्व दें, उनका अपनत्व लें और दें, और कम से कम 10 दृष्टिहीनों को आप भोजन करवाएं। मांस मदिरा और अंडे का त्याग बिल्कुल पूरी तरह से कर दें। जहां तक संभव हो सके सत्य बोलें और किसी से झूठा वादा ना करें। विद्वानों, गुरुजनों व साधु संतों की सेवा करें और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है तो बहुत संभव है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल हो सकती हैं, और इसके लिए आपको अपनी कुंडली विधिवत तरीके से किसी ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। अपनी दशाओं व अंतरदशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता को जानना चाहिए। इसके बाद आपको उपाय करना चाहिए जिससे कि आप अपने व्यापार व्यवसाय को बेहतर दिशा दे सकें। इसके लिए क्या करना है, आपको किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवानी है, और यदि आपकी इच्छा हो कि आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाएँ, अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं, तो आप स्क्रीन पे दिखने वाले नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बाध्यता नहीं है कि आप मुझसे ही बात करें, मुझे ही अपनी कुंडली दिखाएं। आप कहीं से भी सलाह लें, आपको बस आनंद आना चाहिए, जीवन सुखमय होना चाहिए, हम बस यही चाहते हैं। और हाँ, एक बात और सुनने की है, आप इसे गौर से सुने। आपकी राशि से जुड़े हुए जितने भी मुख्य पहलू हैं उनका अलग अलग वीडियो हम बना रहे हैं और उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर बाय द वे न मिल पाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी आप दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख पाएँ। लेकिन अगर ना मिले तो आप हमारे चैनल पर जाएँ और वीडियो को खोज निकालें और उसे देखें, उस पर अमल करें और लाभान्वित हों।
उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और अपने व्यापार व्यवसाय में बेहतरी लाने में सफल रहेंगे। भगवान गणेश आपके व्यापार में सफलता दें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।